बीकानेर के खाजवाला से इस वक्त की बड़ी खबर। 30 घंटे चले रेस्क्यू में पुलिस को मिली सफलता। नहर में शव ढूंढने के लिए प्रशासन ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। छतरगढ़ पुलिस को देर रात्रि में बच्ची का शव बरामद हो गया। गोताखोरों की सहायता से पुलिस ने 30 घंटे लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। पैर फिसलने से आज नहर में दो भाई बहन डूब गए थे। 10 वर्षीय हारून और 11 वर्षीय शाहिदा की नहर में डूबने से मृत्यु हुई। विधायक गोविंद राम मेघवाल मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। और इसी खबर पर एवं संवाददाता सुरेंद्र कुमार डीलू फोनलाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी सुरेंद्र बताएं। जी मैं दिल्ली से बताना चाहूंगा, छतरगढ़ थाने इलाके की एक घटना है। से एक दिन पूर्व दो बच्चे एक नहर में गिरते हैं, दोनों पानी पीने के नहर में उतरते हैं और दोनों का पैर फिसलता है, दोनों बच्चे नहर में डूब जाते हैं। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और गोताखोरों की सहायता से शवों को प्राप्त भी करती है। हालांकि एक बच्चे का शव 11 वर्ष के हारून का शव मिल जाता है देर रात्रि को, हालांकि बच्चे का शव नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और गोताखोरों की सहायता से दूसरे शव को भी लगातार 30 घंटे ऑपरेशन जारी रहता है। इस रेस्क्यू सेंटर के दौरान आसपास के सभी थानों में वायरलेस के जरिए सूचना भी दी जाती है। सूचना मिलते ही खाजवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल पहुंचते हैं, छतरगढ़ एसडीएम के मौके पर पहुंचते हैं और तहसीलदार भी पहुंचते हैं और 30 घंटे के ऑपरेशन के बाद देर रात्रि को 11 वर्षीय बच्ची साधु उर्फ शाहिदा का शव मिलता है। इससे पहले एक दिन पूर्व मिले बच्चे के शव को खाजवाला छतरगढ़ थानाधिकारी जय कुमार बहादुर ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं कल देर रात्रि को मिले साधु उर्फ शाहिदा के शव को छतरगढ़ थानाधिकारी ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को आज सौंपा जाएगा। हालांकि यह पैर फिसलने की घटना इस क्षेत्र के अंदर इससे पूर्व में कई बार हो चुकी है। कई विभाग को इस संबंध में अवगत भी करवाया है, नहर में कुछ समस्या है इनके, लेकिन लगातार इसे घटनाएं इस क्षेत्र के अंदर हो रही है तो कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग को भी इसकी ओर संज्ञान लेना होगा ताकि क्षेत्र में हो रही लगातार इस घटनाओं को रोका जा सके। बताना चाहूंगा जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, दो बच्चे हैं नहर में पानी पीने के लिए उतरते हैं, पैर फिसलता है और दोनों बच्चे नहर में डूब जाते हैं। उनके साथ में 5 वर्षीय बच्चा और भी था जो काफी देर तक वहां पर इंतजार करता है। जब दोनों बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं तो 3 किलोमीटर पैदल वो अपने घर जाता है, घर के परिजनों को सूचना देता है और सूचना जब पुलिस को मिलती है तो जय कुमार बहादुर ऐसे तो पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचते हैं और शव निकालने की तलाश जारी करते हैं। हालांकि उसी वक्त 3 घंटे के बाद एक बच्चे का शव 11 वर्षीय हारून का शव नहर में मिल जाता है और उसका कल पोस्टमार्टम भी होता है, शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। हालांकि जो बच्चे का शव था वो लगातार 30 घंटे ऑपरेशन चलाए रेस्क्यू सेंटर रेस्क्यू चला है। हालांकि जब सूचना मिलती है काजोला विधायक गोविंद राम मेघवाल भी पहुंचते हैं, पूरा प्रशासनिक कमला मौके पर पहुंचता है और इससे ऑपरेशन के दिन 30 घंटे के बाद 11 वर्षीय बच्ची साधु उर्फ शाहिदा का शव मिलता है। और हालांकि देर रात्रि में ही इस शव को बाहर निकाला गया है, पुलिस को आखिरकार सफलता मिली है। इस रेस्क्यू के अंदर पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी थे, गोताखोरों की सहायता भी दी थी, ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस शव को आपको सम्मान करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। जी सुरेंद्र, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत